नहीं तो चुनाव का समय आपने 5 साल सीएम रहा, कैबिनेट करके हर दिन आप घोषणा कर सकता था, तब आप कुछ घोषणा नहीं किया। अभी नर्वस होते हुए हर दिन घोषणा कर रहा है, इसलिए आपको मालूम भी है आगे आपको सीएम बनना भी नहीं है। सर ये आपको नोटिस मिला? हमको नोटिस मिला, हमको नोटिस मिला, मैंने जवाब दे दिया, लेकिन मेरा मन में एक ही रहा। मैंने भूपेश बघेल जी का बात भी बोलता हूँ, मैंने बाकी लोगों का बात भी बोलता हूँ। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने कंप्लेन नहीं किया, जब मैंने मोहम्मद अकबर का बारे में कुछ बोला तुरंत कंप्लेन कर दिया। तो लगता है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस का भूपेश बघेल से भी मोहम्मद अकबर ज्यादा प्यारा है। आप देखिए, मैंने सबका बारे में बोलता हूँ लेकिन किसी का बारे में बोलने भी कंप्लेन नहीं डालते हैं, लेकिन जब मोहम्मद अकबर का बारे में बोला, अकबर का बारे में बोला, वो लोग इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन डाल दिया। तो मैं तो हैरान हो गया, यार भाई कम से कम मैं टी एस सिंहदेव का बारे में कुछ बोला, आप कंप्लेन दिया तो ठीक है, बात होता है। भूपेश बघेल जी का खिलाफ कुछ बोला, आप कंप्लेन देता है तो ठीक है, लेकिन मोहम्मद अकबर आपका इतना क्यों प्यारा है? क्या पूरा छत्तीसगढ़ का क्रिया कार्यक्रम उनका थ्रो से होता है क्या? क्या बात है उसको? बाद में मैं सुनाव का बाद में मैं भूपेश बघेल जी को पूछूंगा, भाई मोहम्मद अकबर में ऐसा क्या शर्म है कि उनका खिलाफ बोलने से आप कमीशन को कंप्लेन देता है? हाँ, मुझको जब मुझको नोटिस भी मिला, मैंने जवाब भी दे दिया।